बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम अलैकुम, आप देख रहे हैं वाच टाइम्स, में हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें, और हमारी दुआ है कि आप नुसरबाजों, ठगबाजों, बहरूपियों, फ्राडियों और लुटेरों से भी बच करें। नाज़रीन आज मैं दोबारा बात करूँगा ISM मार्ट के ऊपर, उसकी एक बड़ी डिवेलपमेंट सामने आई थी तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। और इसके साथ साथ आपको मालूम है कि नवीद अख्तर जैसे नौसरबाज हो गए जिन्होंने स्मार्ट ग्रुप के नाम पर पाकिस्तानी मजबूर आवाम को बेवकूफ़ बनाने का सिलसिला शुरू किया हुआ है। इसी तरह आपको मालूम है कि अलसफा होम्स के मलक तौकीर शहीन उनके साथ उनके एक दस्ते रास्त मिलकर वो भी लूट मार कर रहे हैं। जबकि इसके साथ साथ SK ग्रुप वालों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई है कि लाहौर में एक तहकीकती इदारे ने SK ग्रुप के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दिया। एक बड़ी डिवेलपमेंट है कि जिन लोगों का सरमाया उन्होंने फर्नीचर के नाम पर उठाया हुआ है, अब आप देख लीजिएगा कि आइंदा चंद दिनों तक वो तहकीकात जो है वो उसका दायरा कार वसी किया जाएगा और जितने भी उसके टॉप लीडर्स हैं जो कमीशन एजेंट हैं उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। और इसके अलावा एक और जो बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है कि कुछ लोगों ने हमें कंप्लेंट्स की कि अल हयात ग्रुप ने अपना जो परसेंटेज थी कि यानी पहले वो 14% रेंटल देते थे, अब उन्होंने वो परसेंटेज कम कर दिया है। बात करेंगे अल हयात ग्रुप के ऊपर कि क्या जानजेब आलम का माजी जो है वो तो जिस तरह का था, लेकिन मुस्तकबिल क्या रोशन होगा या तारीख होगा? क्या अल हयात ग्रुप अब मजीद आगे चलेगा या जिस तरह उन्होंने प्रॉफिट जो है रेंटल जो है वो कम कर दिया, ये कहीं ऐसा तो नहीं कि अल हयात ग्रुप वाले भागने के चक्कर में? इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ISM मार्ट के जो शौकत मरवत हैं। आपको मालूम है कि शौकत मरवत के जो ISM मार्ट के चेयरमैन भी हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं, उनके केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर समात है और अगले साल वो केस समाअत के लिए मुकर्रर हुए हैं, क्योंकि आज आपको मालूम है कि 29 दिसंबर है, कल 30 है और फिर 1 जनवरी, यानी कि 5 के बाद उनके केसेस जो है वो उनकी समाअत होगी। ISM मार्ट के हवाले से उन लोगों ने अब दोबारा से इन्वेस्टमेंट उठाना शुरू कर दिया। कुछ ग्रुप्स के स्क्रीनशॉट्स हमें भेजे गए हैं और हमें बताया गया जी कि ISM मार्ट के शौकत मरवत ने जो फ्रॉड करना था या जो स्कैम करना था वो तो कर चुके हैं, लेकिन अब दोबारा लोगों को कहा जा रहा है कि आप दोबारा से इन्वेस्टमेंट करें, अगर आपकी रकम डूबी हुई है तो हम आपको रिकवर करके देंगे। और कम से कम जो शौकत मरवत है वो ये दावा कर रहे हैं कि आपने 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है। अब ये जो इन्वेस्टर्स हैं उसको सोचना चाहिए कि जो इतनी बड़ी कंपनी का दावेदार था, जो पहले कहता था मैं सरमायाकारी नहीं उठाता, फिर उसी के वॉइस नोट में वो कहता है मैं सरमायाकारी उठाता हूँ, फिर वो इदारों को ललकार रहे कि जब इदारे हरकत में आते हैं आप एक गैर कानूनी काम कर रहे हैं, तो शौकत मरवत ने इदारों के ऊपर भी कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। और ये वही सुनहरियो बन रहा है जो माजी में सैफुररहमान खान न्याजी का बन रहा था। माजी में सैफुररहमान खान न्याजी भी इसी तरह के बुलंदोबाला दावे करता था, इसी तरह के सब्ज बाग मासूम लोगों को दिखाता था, और आज देख लें कि सैफुररहमान खान न्याजी अदालतों में कभी पेश होता है कभी पेश नहीं होता, लेकिन जो गरीब मजबूर इन्वेस्टर है जिसका पैसा डूबा हुआ है वो वापस उसको कब मिलेगा, ये ना तो उस इन्वेस्टर को मालूम है और ना ही सैफुररहमान खान न्याजी जैसे नौसरबाज को मालूम है कि जिसके खिलाफ रेफरेंस अभी तक जेर समात है। फिर अब शौकत मरवत की भी तकरीबन वही सूरत हाल चल रही है। तो खुदा रहा ISM मार्ट में दोबारा इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, आपका सरमाया ऑलरेडी डूबा हुआ है, जो नए लोग इसके साथ ज्वाइन होंगे उनका सरमाया भी डूब जाएगा। फिर अल हयात की मैंने आपसे कहा कि अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज के जो मालिक हैं जानजेब आलम, देखें हम तो अपने प्लेटफॉर्म से दावा करते हैं आपका फिजिकल प्रोजेक्ट होगा तो ताहिर नसीर उसके हक में भी प्रोग्राम करेगा, लेकिन आप नौसरबाजी करेंगे, फ्रॉड करेंगे तो ताहिर नसीर इसी तरह लपकुशाई करता रहेगा। अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज के कुछ लोगों ने हमें कॉल्स की और उन्होंने कहा जी कि पहले हमें 14% रेंटल मिलता था, अब 6% मिल रहा है गुज़िश्ता 2 माह से, और बाज़ दफ़ा ये भी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि विड्रावल भी नहीं दिया जा रहा। लेकिन इस हवाले से जब मैंने थोड़ा सा अपने तौर पर जब तहकीकात की तो मालूम हुआ कि वाकई ही जानजेब आलम ने जो रेंटल था जो अप्रिसिएशन था 14 से कम करके अब वो 6 पे ले आए हैं। अब एक और दावा जो मार्केट में गूंज रहा है कि ग्राउंड प्लस 19 फ्लोर का एक और कसीरल मंजिला इमारत तामीर करने का फैसला किया गया, और इस हवाले से अभी तक हवाओं में तीर चलाए जा रहे हैं कि क्या जानजेब आलम ने जो रेंटल है उसकी रकम कम करके, कहीं ऐसा तो नहीं कि जानजेब आलम भी अब रफू चक्कर होने के चक्कर में है? लेकिन अगर जानजेब आलम का कोई और फिजिकल प्रोजेक्ट होगा तो आपको मालूम है हम तो ओपनली दावा करते हैं, लेकिन ये चीज़ जो सामने आ रही है कि जो रेंटल कम किया गया है ये इस तरफ जाता है कि कहीं अल हयात वाले भी राह फरार तो नहीं इख्तियार करना चाह रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक जानजेब आलम भी मालूम हो कि वो भी इस मुल्क से फरार होकर दुबई जो बड़े बड़े नौसरबाज बैठे हुए हैं उनके साथ बैठ गया। लेकिन
अल हयात के मतलब एक और चीज़ जो सामने आ रही है, हमारे ज़राए ने हमें इस बात की तस्दीक की है कि ग्राउंड प्लस 19 का एक फ्लोर जो है, यानी कि एक ग्राउंड और 19 फ्लोर का एक सिर मंजिला इमारत तमीर की जा रही है, इसमें कितनी हकीकत है जल्द आपको बताएंगे। एसके ग्रुप के हवाले से आपको बताएं कि इकराम खोखर हो गया और उनकी जो साहबजादी है अरूज, और इसके अलावा उनके जो हस्बैंड हैं हाफिज साजिद, इन लोगों के खिलाफ एक तहकीकाती इदारे ने इंक्वायरी शुरू कर दी है और जितने भी उनके बैंक अकाउंट्स हैं उनका सुराग लगाया जा रहा है कि कितनी इन्वेस्टमेंट ये उठा चुके हैं। फर्नीचर के नाम पर एसके ग्रुप वाले पाकिस्तानी आवाम से लूट मार कर रहे हैं। वो तहकीकात कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें इकट्ठी की गई, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपको इस हवाले से बताएंगे। स्मार्ट ग्रुप आप देख लें कि इस्लामाबाद के ब्लू एरिया जैसे एक तजारती मरकज में बैठ कर स्मार्ट ग्रुप वाले नुसरबाजी कर रहे हैं और इदारे ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं। स्मार्ट ग्रुप के हवाले से ये भी जो है चीज़ें सामने हैं कि एक अभी रिसेंटली खातून ने उनको ज्वाइन किया है, उस खातून ने इससे पहले ट्रेडिंग क्यू में भी इसी तरह ज्वाइनिंग की थी और वहां से भी उसने पैसा कमाया था लोगों के साथ, उस खातून ने भी फ्रॉड किया था, उसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे। और स्मार्ट ग्रुप की जो इंक्वायरी एक जगह पर चल रही है उस हवाले से आपको बताएंगे। और फिर आ जाते हैं अलसफा होम्स के ऊपर, मलक तौकीर अवान जो 9 मई के मुकदमात में मुलविस हैं उनकी गिरफ्तारी का फैसला हो चुका है। 9 मई के मुकदमात में मलक तौकीर अवान को रावलपिंडी पुलिस गिरफ्तार करने जा रही है और उसके जो दस्तेरास हैं जो अपने आप को हिसास अदारे का ऑफिसर जाहिर करते हैं उनके खिलाफ भी एक और महकमा इंक्वायरी कर रहा है और इस हवाले से भी इंशाल्लाह जल्द आपको अपडेट करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।